तो भ्रम होने पर कौन सा अलंकार होगा दोस्तों? भ्रम होने पर क्या होगा? भ्रम होने पर कौन सा अलंकार होगा दोस्तों? भ्रांतिमान अलंकार होगा। हमेशा याद रखिएगा, परिभाषा आपको याद हो या ना हो, आपको उपमेय और उपमान में प्रॉब्लम हो या ना हो, ठीक है, वो बात अपनी जगह है, लेकिन अगर आप इस तरीके से इन छोटे छोटे नियमों को जो आपको पढ़ने का माध्यम मैं बता रहा हूँ, अगर आप इसको समझ जाएंगे, केवल इतना आप रखिएगा, केवल सदैव भ्रम होगा, तो इस तरीके से आपको कभी भी कोई समस्या नहीं आएगी अलंकार को लेकर के। तो आप भ्रांतिमान अलंकार समझ गए होंगे, आपको दो एग्जाम्पल के तौर से बताया गया कि भ्रांतिमान अलंकार कैसा होता है। तो भ्रांतिमान अलंकार दोस्तों, जैसा कि नाम से ही पता चल पा रहा है, भ्रम की स्थिति होने पर भ्रांतिमान अलंकार होता है एग्जाम्पल के तौर पर। अब दोस्तों बात करते हैं दृष्टांत अलंकार की। तो दृष्टांत अलंकार का मतलब होता है दोस्तों कि जहाँ पर उपमेय और उपमान, अब देखिए फिर इसमें बात कही गई, उपमेय और उपमान के साधारण धर्म में, साधारण धर्म के बिंब और प्रतिबिंब के भाव उत्पन्न हो, बिंब और प्रतिबिंब के भाव उत्पन्न हो, वहां पर दृष्टांत अलंकार होता है। या दोस्तों आप इस तरीके से ना आपको प्रॉब्लम हो रही हो समझने में, तो दूसरा मैं आपको बता दूं कि एक कथन कहकर के उसी से मिलता जुलता कोई दूसरा कथन किया जाए तो वहाँ पर दृष्टांत अलंकार होता है। जैसे दोस्तों कि आप मार्केट में जाते हो, मान लीजिए जैसे कोई आपको वस्तु खरीदनी होती है, तो आप जैसे पहली वस्तु आप खरीदे, वही सेम दूसरी वस्तु आपको नहीं मिल पाती है, तो आप कहते हो भैया कि हम दुकानदार से हमें ऐसी वस्तु चाहिए, हमें ऐसी वस्तु बिल्कुल सेम, ऐसे ही कलर होना चाहिए, बिल्कुल ऐसा उसका फंक्शन होना चाहिए, बिल्कुल ऐसा हमें वस्तु इतनी साइज़ की होनी चाहिए, तो आप उससे मिलती जुलती वस्तु ले लेते हो, ठीक है। तो उसी तरीके से दृष्टांत अलंकार में याद रखिएगा कि एक कथन से मिलता जुलता दूसरा कथन होता है, तो वहां पर दृष्टांत अलंकार होता है। तो दोस्तों दृष्टांत अलंकार को समझते हैं। तो दोस्तों ये देखिए दृष्टांत अलंकार की परिभाषा आपको बताई गई कि जब उपमेय और उपमान के साधारण धर्मों के बिंब प्रतिबिंब के भाव अस्पष्ट हों, या आपसे दूसरी बात कही गई कि एक बात कहकर उसी से मिलती जुलती दूसरी बात कही जाए। देखिए यहाँ पर जब उपमेय और उपमान के साधारण धर्म के बिंब प्रतिबिंब का भाव हो, अर्थात एक बात कहकर उसी से मिलती जुलती दूसरी बात कही जाए। इतना याद रखिएगा दोस्तों कि एक बात को कहा जा रहा है और उसी से मिलती जुलती दूसरी बात भी कही जा रही है। जब एक बात कही जाए और उसी से मिलती जुलती भी दूसरी बात कही जाए, तो वहाँ पर दृष्टांत अलंकार होता है। बिल्कुल सिंपल सी बातें आपको बताई गई कि एक बात कहकर उसी से मिलती जुलती दूसरी बात बताई जाए, तो वहाँ पर दृष्टांत अलंकार होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर दोस्तों, पापी मनुष्य भी मुख से राम नाम निकालते। देखिए अब क्या इसका भाव क्या जा रहा है, पापी मनुष्य भी, यानी कि जो पापी मनुष्य है वह मुख से राम नाम निकालते हैं। अब देखिए यहाँ पर राम नाम में समानता आई, और पापी मनुष्य जब मुख से राम नाम निकालेगा तो वह भी पुण्य आत्मा के तरह, यानी कि जो पाप नहीं करता है, जो पुण्य आत्मा है, जो पुण्य मनुष्य है, वह पापी मनुष्य भी उसी के श्रेणी में आ जाएगा राम नाम निकाल करके। तो यहाँ पर देखिए राम नाम में क्या आई दोस्तों, मतलब मिलती जुलती दूसरी बात कही जा रही है, यानी कि पापी मनुष्य भी मुख से राम नाम निकालते। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा दोस्तों, यहाँ पर दृष्टांत अलंकार होगा। पापी मनुष्य जब मुख से राम नाम निकालेगा तो उसके सारे पाप कट जाएंगे, और जब सारे पाप कट जाएंगे तो वह पुण्य व्यक्ति के जैसा हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों कौन सा अलंकार है, यहाँ पर दोस्तों दृष्टिमान अलंकार है, दृष्टांत अलंकार है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपको बताया ही जा चुका है, अगर पहचानने की बात कही जाए तो आप पहचानेंगे कैसे, यानी कि आप कहेंगे एक कथन से मिलता जुलता या मिलता हुआ दूसरा कथन। शॉर्ट में इसको कैसे समझेंगे, एक कथन से मिलता हुआ दूसरा कथन, यानी कि एक कथन से मिलता हुआ दूसरा कथन जब कही जाए या आपको दिखे, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, वहाँ पर दृष्टांत अलंकार होगा। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं संदेह अलंकार की।
जैसा कि नाम से ही आ जा रहा है, पता चल पा रहा है, संदेह। संदेह का मतलब क्या होता है दोस्तों? संदेह का मतलब होता है कि उपमेय और उपमान में समानता के कारण संदेह हो जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर बात कही जा रही है, हमेशा याद रखिएगा कि बच्चे काफ़ी कन्फ्यूज होते हैं भ्रांतिमान अलंकार और संदेह अलंकार में, क्योंकि भ्रांतिमान अलंकार में भ्रम की स्थिति हुई और संदेह अलंकार भी उसी से मिलजुल रहा है। भ्रांतिमान अलंकार में कहा गया कि सदृश के कारण भ्रम की स्थिति होती है, ठीक है, और इसमें संदेह अलंकार में क्या कहा जा रहा है? संदेह अलंकार में कहा जा रहा है कि उपमेय और उपमान में समानता होती है। तो इसको अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, इसको अच्छे से समझते हैं ताकि आपको संदेह की स्थिति ना होने पाए। तो चलिए समझते हैं संदेह अलंकार। दोस्तों देखिए, आपको संदेह अलंकार की परिभाषा बताई और संदेह अलंकार का एग्जाम्पल, वदन सुधा निधि जान के तू संग फिरेओ चकोर, वदन किधो यह सीत कर किधो कमल भय मोर। देखिए यहाँ पर पहली पंक्ति जो आपके सामने दिख रही है, वदन सुधा निधि जान के तू संग फिरेओ चकोर, पहली पंक्ति में भ्रम की स्थिति आ रही है, पहली पंक्ति में भ्रम की स्थिति आ रही है, और दूसरी पंक्ति वदन किधो यह सीत कर किंधो कमल भय मोर, इसमें संदेह की स्थिति आ रही है। मतलब पहले वाले में देखिए यहाँ क्या था कि फिरियो चकोर, यानी कि चकोर, अब यहाँ पर देखिए भ्रम की स्थिति आ रही है कि चकोर किसके साथ घूम, चकोर किसके संग घूम रहा है, और यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है कि कमल भय मोर, अब यहाँ पर देखिए मोर की बात कही जा रही है। तो पहली पंक्ति में चकोर की बात, दूसरी पंक्ति में मोर की बात कही जा रही है। तो पहली पंक्ति में भ्रम की स्थिति, दूसरी पंक्ति में संदेह की स्थिति उत्पन्न हुई। और संदेह अलंकार में आपको मैंने अभी अभी बताया कि संदेह अलंकार में क्या होता है दोस्तों, कि उपमेय और उपमान में संदेह होता है कि कौन उपमेय है और कौन उपमान है। तो वे उस ऐसी स्थिति में संदेह अलंकार होता है, अर्थात जहाँ उपमेय और उपमान में समता देखकर, यानी कि समानता देखकर यह निश्चय नहीं हो पाया कि कौन उपमेय है और कौन उपमान है, तो वहाँ पर संदेह अलंकार होता है, अर्थात संदेह बना रहता है, अर्थात संदेह बना रहता है। किसमें संदेह, किसमें बना रहता है? उपमेय और उपमान में, कि कौन उपमेय है कौन उपमान है। जब उपमेय और उपमान में संदेह की बात कही जाए तो वहाँ पर संदेह अलंकार होता है। अब यहाँ पर देखिए चकोर में और मोर में भ्रम की स्थिति आ रही है, यानी कि संदेह की स्थिति आ रही है। तो यहाँ पर चकोर और इसमें मोर, आपका क्या होगा? संदेह होगा। तो यहाँ पर कौन सा एग्जाम्पल होगा, कौन सा अलंकार होगा? संदेह अलंकार होगा। तो दोस्तों आपको संदेह अलंकार समझ में आ गया होगा कि संदेह अलंकार में क्या होता है, हमेशा संदेह रहता है। संदेह की जब बात कही जाती है संदेह सदैव बना रहता है, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? संदेह अलंकार होता है। जैसे इसमें एग्जाम्पल में देखिए, चकोर और मोर के साथ एग्जाम्पल में, यानी कि पहले वाले में समझ नहीं पाया गया कि ये चकोर है कि क्या है, और दूसरे वाले में यह नहीं समझ में आया कि यह मोर है कि क्या है। तो यहाँ पर चकोर और मोर के बीच में संदेह की स्थिति आई, तो चकोर और मोर के बीच में संदेह की स्थिति आने के कारण यहाँ पर संदेह अलंकार आपका बना। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हुआ? संदेह अलंकार हुआ। अब दोस्तों बात करते हैं विरोधाभास अलंकार की। विरोधाभास अलंकार में क्या होता है दोस्तों, कि विरोध की स्थिति तो बनी रहती है परंतु विरोध नहीं होता। विरोध की स्थिति बनी रहे और विरोध ना हो तो वहाँ पर विरोधाभास अलंकार होता है। दोस्तों अभी देखिए, विरोधाभास में मैंने आपको बताया था, इसकी परिभाषा मैंने आपको बताई थी, जहाँ दो वस्तुओं में विरोध ना हो, केवल विरोध का आभास हो। देखिए, जहाँ दो वस्तुओं में विरोध ना हो, केवल विरोध होने का आभास हो, वहाँ पर विरोधाभास अलंकार होता है। दोस्तों आपको याद हो, अभी मैं क्लास स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि जैसे कश्मीर से 370 को हटाया गया था, 56A ख़त्म किया गया था, 35A हटा था,
उसमें देखिए दोस्तों, हम भारत सरकार और राज्य सरकार ने क्या किया था, पूरे प्रदेश में हाई अलर्ट जारी कर दिया था। तो जब हाई अलर्ट जारी क्यों किया गया था, इसलिए कि हिंदू और मुस्लिम राइट ना होने पाए। अगर हिंदू और मुस्लिम राइट हो जाएंगे तो काफ़ी चीज़ें जो हैं भारत में क्षतिग्रस्त हो जाएंगी, काफ़ी चीज़ें नुकसान हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर भारत को पहले, राज्य सरकार को पहले से पता था कि अगर इनकी सुरक्षा बढ़ा दी जाए, प्रदेश में हाई अलर्ट जारी कर दिया जाए, तो यहाँ पर दंगे नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए, दो वस्तुएं की बात कही जा रही है ना, तो दो वस्तुएं रुपये आप यहाँ पर ले सकते हो कि जैसे एक हिंदू और दूसरा मुस्लिम, ये दो पक्ष और विपक्ष हो गए। तो यहाँ पर दो वस्तुओं में विरोध ना हो, केवल विरोध का आभास हो। पहले से ही पता चल पा रहा है कि विरोध शायद हो सकता है, आगे चलकर विरोध हो सकता है। तो राज्य सरकार ने और भारत सरकार ने क्या किया, हाई अलर्ट जारी कर दिया। और हाई अलर्ट जारी करने के बाद क्या किया, सैन्य शक्ति की मदद ली और सैन्य शक्ति को बढ़ा दिया गया, चौकसी बढ़ा दी गई। तो यहाँ पर देखिए उसी प्रकार से एग्जाम्पल में देखिए क्या कहा जा रहा है, बैन सुन्यो जबते मधुर, यानी कि जब मधुर बातों को सुना गया, मधुर बातों को सुना गया, आगे क्या कहा जा रहा है, तब ते सुनत न बैन, यानी कि तब से वह अन्य बातों को नहीं सुन पा रहा है। जब से वो मधुर बातें सुन लिया, तब से अन्य बातों को नहीं सुन पा रहा है। तो यहाँ पर देखिए बैन सुनो में, इसमें बैन सुनो में और यहाँ सुनत न बैन में क्या हो रहा है, विरोध का आभास हो रहा है कि अब वह क्या किया, केवल मधुर बातें ही सुनेगा। मतलब जैसे आपका कान है और आपका कान केवल भजन सुन ले या सोनू निगम का सॉन्ग्स सुन ले, अब आप कहें कि हम सोनू निगम के ही सॉन्ग सुनेंगे, मोहम्मद रफ़ी, मुकेश कुमार, इन सब के गाने हम नहीं सुनेंगे, तो यहाँ पर विरोध होने का बात सामने आ रहा है कि आगे चलकर इसका विरोध हो सकता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए बैन सुनो, मतलब जब से उन्होंने क्या किया, मधुर बातें सुन ली, तब से वो मधुर बात के अलावा कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं है। तो यहाँ में क्या किया, बैन सुनो में और यहाँ पर सुनत न बैन में विरोध होने का आभास हो रहा है, यानी कि एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं। मतलब कान आपका विरोध कर रहा है कि हम केवल मधुर बातें ही सुनेंगे, अन्य बातों को कदापि नहीं सुनेंगे। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा दोस्तों, जब ऐसी स्थिति आए, यानी कि जब एक वस्तु दूसरे वस्तु का विरोध करे, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, विरोधाभास अलंकार होता है। तो इसको आप कैसे समझेंगे, इसको आप समझेंगे कि एक वस्तु दूसरी का विरोध करती है, दूसरी का यानी कि वस्तु का विरोध करती है, वस्तु का विरोध करती है, विरोध करती है। और जब विरोध उत्पन्न होगा दोस्तों, तो वहां पर कैसी स्थिति होगी, सकारात्मक की स्थिति होगी या नकारात्मक की स्थिति होगी। जब कोई वस्तु, पहली वस्तु दूसरी वस्तु का विरोध करती है, तो वहाँ पर कौन सी स्थिति होती है, वहाँ पर नकारात्मक स्थिति बनती है, नकारात्मक स्थिति बनती है। तो आप कह सकते हैं दोस्तों कि दूसरी बात यहाँ पर कि इसमें नकारात्मक स्थिति भी बन सकती है। तो नकारात्मक स्थिति बनने के कारण यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, यहाँ पर विरोधाभास अलंकार होगा, यहाँ पर क्या होगा, विरोधाभास अलंकार होगा, ठीक है दोस्तों। तो आई होप कि आपको विरोधाभास अलंकार समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अर्थालंकार के प्रकार में आपको जैसा कि मैंने कहा था, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, दृष्टांत अलंकार, विरोधाभास अलंकार और संदेह अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो आपको पढ़ाया जाएगा। तो ये आपको पढ़ा दिया गया दोस्तों। आई होप कि आप अर्थालंकार को अच्छे से समझ गए होंगे, अर्थालंकार में किसी भी प्रकार से कोई कमी आपको समझ में नहीं आई होगी। अगर किसी भी प्रकार से आपको कोई कमी समझ में आ रही है, जो आप समझ में नहीं, आपको समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, वो आपको समझाने की कोशिश की जाएगी दोस्तों। अब बात करते हैं उभय अलंकार की। उभय अलंकार का मतलब होता है दोस्तों कि यह शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, यानी कि दोनों का समावेश होता है, और दोनों का समावेश ही उभय अलंकार कहलाता है, ठीक है दोस्तों। तो उभय अलंकार समझते हैं दोस्तों। उभय अलंकार आपको अभी बताया हमने कि शब्द और अर्थ दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, दोनों का साथ होता है। देखिए परिभाषा वही कह रही है,
यहां पर भिन्न अर्थ वाले, भिन्न आकार वाले, भिन्न अर्थ वाले और भिन्न आकार वाले। देखिएगा दो शब्द आपके सामने आया, भिन्न अर्थ वाले और भिन्न आकार वाले पदों का सहसा सुनकर पुनरुक्ति का आभास हो, पुनरुक्ति का आभास हो किंतु विचार करने पर पुनरुक्ति ना हो, वहाँ पुनरुक्ति वदाभास या उभयालंकार होता है। पुनरुक्ति वदाभास या उभयालंकार होता है, ठीक है। यानी कि शब्दों के माध्यम से समझने की कोशिश करिएगा, यहाँ भिन्न अर्थ, भिन्न अर्थ निकले और भिन्न आकार हो, ठीक है। तो देखिएगा भिन्न अर्थ क्या है। एग्जाम्पल आपका कहा जा रहा है, समय जा रहा और काल है आ रहा। देखिए एग्जाम्पल क्या कहा कह रहा है कि समय जा रहा, यहाँ पर समय जा रहा है और काल आ रहा है। तो दोस्तों देखिएगा, समय और काल, समय का संबंध किससे होता है, काल से होता है, परंतु यहाँ पर समय का अर्थ भिन्न है और काल का अर्थ भिन्न है। देखिए आगे क्या जा रहा, कहा जा रहा है, अब यहाँ पर रुका गया, समय जा रहा और काल है आ रहा, सचमुच उल्टा भाव, सचमुच उल्टा भाव भुवन में छा रहा, ठीक है। अब देखिए क्या कहा जा रहा है कि समय जा रहा है और काल आ रहा है। समय और काल एक दूसरे के क्या होते हैं, यहाँ पर समय और काल का अर्थ एक ही होता है, परंतु यहाँ पर समय का अर्थ भिन्न है और काल का अर्थ भिन्न है। और उसके बाद क्या कहा जा रहा है, सच में उल्टा भाव, उल्टा भाव भुवन में छा रहा है। यहाँ पर भुवन का मतलब क्या, लोक होता है, भुवन का मतलब लोक होता है, और इस लोक का मतलब यहाँ पर आपका जो एटमॉस्फियर है, ठीक है, जो आपका युग चल रहा है, उस युग से बात की जा रही है कि समय जा रहा है और काल आ रहा है। यानी कि जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, वैसे वैसे कालचक्र अपना अस्तित्व बता रहा है। इसका मतलब क्या निकला दोस्तों, कि जैसे जैसे समय बीत रहा है, समय बीत रहा है, वैसे वैसे काल अपना, काल अपना समय बता रहा है, अपना अस्तित्व बता रहा है। यानी कि जैसे कि आप जानते हैं कौन सा युग चल रहा है, कलयुग का समय चल रहा है, और कलयुग का कौन सा चरण चल रहा है, प्रथम चरण चल रहा है। तो हर युग के चार चरण होते हैं, तो जैसे जैसे चरण बीतता जाएगा, पहला चरण बीतेगा, दूसरा, तीसरा, वैसे वैसे क्या होगा, समय में परिवर्तन होगा, समय में परिवर्तन होगा, रहन सहन खान पान सब में परिवर्तन होगा, और वैसे ही उल्टे भाव छाते जाएंगे। यहाँ पर उल्टे भाव का मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ पर आप उल्टे भाव का मतलब पाप से ले सकते हो, कि जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, वैसे वैसे पाप धरती पर बढ़ते जाएंगे, तभी जा करके ईश्वर का अवतार होगा पाप को नष्ट करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए क्या कहा जा रहा है, जहाँ भिन्न अर्थ वाले, समय और काल का संबंध एक ही होता है, परंतु यहाँ पर समय का अर्थ भिन्न और काल का अर्थ भिन्न, आकार अब कहा जा रहा है भिन्न आकार वाले, समय और काल का भिन्न रूप है, ठीक है। अब इन समय और काल को सुनकर क्या क्या हो गया, समय और काल को सुनकर के क्या हो, थोड़ा देर आप अपने अंदर सोचते हो कि समय और काल कैसे ऐसा हो रहा है, फिर आप यहाँ पर आगे देखें कि सचमुच उल्टा भाव भुवन में छा रहा है। यानी कि शब्द और अर्थ दोनों के माध्यम से, शब्द और अर्थ दोनों के माध्यम से जहाँ पर पुनरुक्ति हो, वहाँ पर क्या अलंकार होता है, उभयालंकार होता है। देखिए यहाँ पर नोट में आपको बताया जा रहा है कि नोट में उभयालंकार शब्द और अर्थ दोनों पर आश्रित होते हैं, मतलब यह उभयालंकार किसी एक पर आश्रित नहीं होता। और दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया था, जब मैं अलंकार आपको पढ़ाना शुरू किया था, तो तभी मैंने आपको पढ़ाया था, बताया था कि शब्दालंकार शब्दों पर आश्रित होते हैं, यानी कि शब्दों के माध्यम से काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं, अर्थालंकार अर्थों के माध्यम से काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं, और उभयालंकार शब्द और अर्थ दोनों के माध्यम से। मैंने आपको पहले ही बताया था, उभय का मतलब दो होता है, और दो का मतलब कि अर्थ और शब्द दो हो गए, शब्द और अर्थ दोनों के माध्यम से काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर समय और काल आपका क्या है, समय और काल आपके उभयालंकार को प्रदर्शित कर रहे हैं। तो आई होप दोस्तों आपको अलंकार खूब अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, और आप अलंकार को बहुत अच्छी तरीके से पढ़े होंगे, एंजॉय करते हुए पढ़े होंगे। आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको
क्या प्रॉब्लम हुई है, क्या चीज़ें समझ में नहीं आई हैं, वो चीज़ें आगे सही की जाएंगी। और अभी तक आपने चैनल को लाइक नहीं किया है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और इसे अधिक से अधिक तक लोगों तक शेयर करें, ताकि आपके सामने और नई एनर्जी के साथ, नई ऊर्जा के साथ आपके सामने आए और आपको अच्छी से अच्छी वीडियो प्रोवाइड करने की हम कोशिश करें। धन्यवाद दोस्तों।